हाय एवरीवन, टुडे इज़ अवर 20th डे ऑफ रिवीजन फॉर यूजीसी एनटीए नेट। एग्ज़ाम हमारा काफ़ी क्लोज आ गया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें क्वेश्चंस के पैटर्न प्लस क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उनके बारे में ठीक से पता हो। एंड टुडे वी गोना डिस्कस 5 क्वेश्चंस ऑन कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी डिस्कस करेंगे जिनमें हमने क्वेश्चन फ्रेम करें, दैट इज़ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो, 2 से 3 क्वेश्चंस क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एग्जाम में आए थे। तो ये टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अच्छे से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। सो इफ यू सी द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्वेश्चन मोस्टली बहुत डायरेक्ट आते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे MCQs आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो द फर्स्ट वन इज, अमंग द फॉलोइंग 3 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ डिफरेंट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पूछा है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से तीनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है और फोर्थ वन की डिफरेंट है, दैट इज़ ऑड वन आउट बताना है। यहाँ पर ऑड वन आउट बताने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है पता होना कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। हमें यहाँ क्या क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर अब देखा जाए कम्युनिकेशन के टाइप्स में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है, इट इज़ लाइक दिस। अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसा होता है, ऐसे। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो लाइक दिस। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऐसा होता है। तो अगर अब देखा जाए, इट इज़ वेरी ईजी दैट ये चीज़ें तीनों एक जैसी हैं, ऐसे हो रही है, एंड ये वाला ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ क्या अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल अलग हो गया। एंड क्यों अलग हो गया, बिकॉज बाकी तीनों अप डाउन हो रहे हैं। बिकॉज बाकी तीनों जो है वो या तो जा रहे हैं वर्टिकल, या तो जा रहे हैं वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, और जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्लासरूम टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन। अब यहाँ क्वेश्चन आया है क्लासरूम टीचिंग से इफेक्टिव के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 ज़रूर आएंगे एग्जाम में। तो ये टॉपिक पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अब यहाँ पूछा गया है क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी सिचुएशन होगी जिससे क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए। सो लेट्स सी द ऑप्शन, द टीचर टीचेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, द टीचर एंटरटेन स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्ट्रिक्ट इन क्लास, द टीचर असाइंस प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन है जो कि हो ही नहीं सकते, दैट दीज आर दीज टू। टीचर एंटरटेन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टीचर इज स्ट्रिक्ट इन क्लास, दिस इज़ ऑल्सो अनमैचेबल। तो यहाँ दो जो ऑप्शन है बाकी, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा वाला ज़्यादा मैच कर रहा है, द टीचर असाइंस प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स, द टीचर टीचेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये पढ़ के ही समझ आ जा रहा है कि टीचिंग तभी होगी इफेक्टिव अगर स्टूडेंट के लेवल में उसको जाके पढ़ाया जाए। प्रोजेक्ट देना, स्ट्रिक्ट होना क्लास में, दीज आर समथिंग एनी टीचर कैन डू, बट उससे इफेक्टिव टीचिंग नहीं आएगी। इफेक्टिव टीचिंग तभी आएगी अगर स्टूडेंट के माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शंस में हमेशा उनको अप्लाई करके ज़रूर देखिए, उनको सपोज करके ज़रूर देखिए, दैट हाउ अ क्लासरूम टीचिंग कैन बिकम इफेक्टिव। इट कैन बिकम इफेक्टिव ओनली वेन द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। सो ये आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन। नाउ द थर्ड वन इज, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कोड्स में बताना है। तो इस टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे 100%। इस पैटर्न में पूछा जाएगा, कुछ फीचर्स दे देंगे, उनमें से बोलेंगे कौन सा फीचर जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या क्या फीचर्स दिए हमें, द टीचर शुड एनकरेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, कि टीचर जो है एनकरेज करे क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, ये तो ज़रूर होगा, बिकॉज टीचर जो है क्लास में एनकरेज ज़रूर करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ से क्रिएटिविटी बढ़े स्टूडेंट्स के माइंड में। सो सेकेंड फीचर इज़, द टीचर शुड एनकरेज डिस्कशंस इन द क्लास, टीचर को क्लास में डिस्कशंस एनकरेज करना ज़रूरी होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड वन इज़, द टीचर
should use a mix of teacher-centered and student-centered approaches. This is also very true. Classroom communication को effective classroom communication बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि teacher अपने मुताबिक एंड student के मुताबिक जो centered चीज़ें हैं उनको ज़रूर use करें. It is very important when a teacher mix these two things, which is important for him or her also and for the student also. So these three points are very true. Fourth one is there should be pin drop silence in the class. This is wrong. Agar class mein silence rahega to discussion kahan se hoga, students participate kahan se karenge. Agar teacher student ke andar aisi cheeze form kar dega that you have to be quiet all the time, discipline mein rehna hai. Discipline is important, but to be quiet all the time, it is not important and it is not good for a effective classroom communication. So, ye galat hoga. Then comes that teacher should teach through lectures only. This is also wrong. Lectures are important, but for effective classroom communication, lectures ke aage bhi sochna hai, that is discussion. Demonstration, there should be problem solving things, there should be student centered things also, which are very important. That is jisme creativity zyada badhe students ki. So yahan par options hamare kya sahi ho gaye, first, second and third. Fourth and fifth are wrong. So effective classroom communication zarur padke jaiyega aur is pattern mein question aapko 100% milega exam mein. Now the fourth question is the interaction between a teacher and a student creates a zone of proximal. अब यहाँ पूछा गया है कि जो interaction है teacher and student के बीच का, वो अगर एक zone of proximal create कर दे, मतलब zone, ऐसा zone create कर दे जहाँ पर दोनों की सोच एकदम मिल रही है, जहाँ पर attachment हो रही है दोनों की सोच में, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? Difference, confusion, development, distortion. उसको हम नाम देंगे डेवलपमेंट. अब इसका मीनिंग समझिए. व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, टू पीपल आर टॉकिंग एंड दे हैव सम सिमिलर आइडियाज़, व्हेन दे अग्री विद समथिंग, तो उसमें से कुछ अच्छा एक आइडिया या कॉन्सेप्ट निकल के आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फ्यूजन? नो. उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट. उसको हम डिफरेंस भी नहीं बोल सकते, उसको हम कन्फ्यूजन भी नहीं बोल सकते, उसको हम डिस्टॉर्शन भी नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट. बिकॉज व्हेन टू पीपल आर एट द स्टेज ऑफ प्रॉक्सिमल, एट द स्टेज ऑफ समथिंग सिमिलर, एट द स्टेज ऑफ समथिंग अटैचमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड असेंशियली बी. सो यहाँ फिर से क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन की, क्लासरूम कम्युनिकेशन इनमें से क्या होना चाहिए. ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. यहाँ पर मैंने आपको पूरे इनके मीनिंग्स लिख के दे दिए एंड यू हैव टू टेल मी कि इन चारों मीनिंग्स में से कौन सा मीनिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन में अटैच कर रहा है. कंट्राइव्ड, एम्पैथेटिक, abstract, non-descriptive, and ki meanings hai, deliberately created, sharing the feelings, existing in thought, no physical existence, no quality of describing. तो ये meanings मैंने आपको लिख के दे दी and you have to tell me that for classroom communication which one of them is important. So you have to tell me in the comment section. तो ये था हमारा आज का communication MCQ, जहाँ पर हमने classroom communication, effective communication में बात करी है, जो कि बहुत important है for the UGC NTA NET exam. And tomorrow again we're gonna discuss 5 questions for UGC NTA NET exam. So do not forget to join our Telegram group, जहाँ पर हम daily mock test paper ले रहे हैं. And also to know about courses, to know about the exams, you can always see the link जो कि आपकी screen में right side है. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.